सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बड़ा, कौन लूटा, कौन पीटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक। जयपुर दिस वीक में नमस्कार। जयपुर दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर, पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दुआ, एक इंतजार जो आप हम सब कर रहे हैं। जी हाँ, बारिश का। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और मानसून का इंतजार हो रहा है। दुआ करते हैं कि जल्दी मेघ बरसें। हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक। इस हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में कई सालों से, तीन दशकों से, 24 सालों से अटके हुए एक मामले, यानी कि पृथ्वीराज नगर के मामले को हरी झंडी मिल गई। सरकार ने रेट जारी कर दी कि किस दर पर पट्टों का आवंटन होगा, लेकिन एक छोटा सा क्लॉज रह गया, डेवलपमेंट शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस क्या लिए जाएंगे, ये अभी घोषित नहीं किया गया। देखते हैं एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन को हरी झंडी दे दी गई है। बैठक में यही एकमात्र एजेंडा था जिसे ध्वनिमत से कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। यह विवादित योजना 1988 से कोर्ट लिटिगेशन में अटकी थी। इस दरमियान लाखों अवैध निर्माण भी हो गए थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना के लिए 1988 में तत्कालीन सरकार ने 11,618 बीघा जमीन आवाप्त की थी, लेकिन हकीकत में 7,663 बीघा जमीन पर ही वह कब्जा ले सकी और योजना के विकास और नियमन के लिए कुछ नहीं किया। बाद में कई लोग कोर्ट में चले गए, जिसके चलते 24 साल से यह मामला अटका पड़ा था। धारीवाल के अनुसार वर्तमान गहलोत सरकार ने जनहित को देखते हुए बुधवार को पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन को मंजूरी दे दी। इससे करीब 1,00,000 भूखंडधारियों, किसानों और प्रभावित लोगों को लाभ मिलेगा। करीब दो दशक के जद्दोजहद के बाद पृथ्वीराज नगर के रेगुलराइजेशन पर सरकार ने मोहर तो लगा दी, लेकिन इसका कितना भार यहां के परिवारों पर पड़ेगा, इसका खुलासा नहीं किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने विकास शुल्क जोड़े बिना ही आवंटन दर की घोषणा कर दी। जनता तो इससे खुश हो गई, लेकिन विकास शुल्क पर सरकार की चुप्पी कुछ और ही संकेत दे रही है। जेडीए ने पूर्व में जब यहां कराए जाने वाले विकास कार्यों के खर्चे का आकलन किया था तो ये राशि 5,600 करोड़ रूपये आई थी। इसमें कुछ और कटौती के बाद इसे 3,000 करोड़ रूपये कर दिया गया, यानी 11,668 बीघा में फैले इस इलाके में यदि विकास कराना है तो 1,000 से 1,500 रुपए प्रति वर्ग गज का विकास शुल्क तो देना ही पड़ेगा। विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। इस हफ्ते भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के विरोध में, महंगाई के विरोध में, उनकी नीतियों के विरोध में जन संघर्ष अभियान चलाया। इस हफ्ते उसका समापन हुआ और समापन पर पूरे प्रदेश में भाजपाइयों ने गिरफ्तारियां दी। दावा 1,00,000 का था, उस दावे पर हम नहीं जाएंगे कि कितनी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन हां, विरोध प्रदर्शन जमकर हुए। देखते हैं पीयूष की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में लंबे अरसे बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। मौका था पार्टी के जेल भरो आंदोलन का। कोई वाहनों में तो कोई रैली के रूप में आया तो कोई पैदल मार्च करके। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े कार्यकर्ता भी सफेद टोपी पहनकर यहां पहुंचे ताकि इस भीड़ में उनकी अलग पहचान नजर आए। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच किया, लेकिन सिविल लाइन फाटक पर ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। यहां पुलिस से इनकी तीखी झड़प हुई और कुछ कार्यकर्ता घायल भी हो गए। आईपीएस ऑफिसर बहुत बड़ा नाम है। इस नाम के सामने आते ही एक रुतबा, एक रुबाब नजर आता है, लेकिन इस रुतबे रुबाब को शर्मसार कर दिया एक अधिकारी ने। देखते हैं क्यों इस अधिकारी ने क्या ऐसा किया कि शर्मसार हुआ पूरा पुलिस महकमा। Thank you.
राजस्थान पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पीछा करके एक प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। ये अधिकारी फिलहाल अजमेर में एडिशनल एसपी के पद पर काम कर रहा था। इस अधिकारी ने अजमेर में एक कंपनी के मामले को निपटाने के लिए पैसों की मांग की थी और रिश्वत के पैसे लेने वाले आईपीएस के एएसआई साथी ने इसका नाम लिया है। जब इस अधिकारी को पता लगा तो ये अजमेर से अपने भाई के साथ रवाना हो गया, जिसे जयपुर आगरा के रास्ते में पकड़ लिया गया। ये है अजय सिंह, 2009 बैच का आईपीएस अधिकारी जो एसीबी के हत्थे चढ़ा है। इस पर आरोप है अजमेर में एक मल्टी लेवल कंपनी के पुराने मामले को सुलझाने के लिए रिश्वत में 2 लाख रुपए मांगने का, और उसके एक एएसआई साथी ने पैसे लिए तो अजमेर में ही धरा गया और उसने बताया कि अजय सिंह के कहने पर पैसे लिए जा रहे हैं, जो इस वक्त अजमेर से निकल चुका है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अब नए नए प्रयोग होने लगे हैं। एंट्रेंस के लिए जब से ऑनलाइन सिस्टम की बात कही जाने लगी तब से विरोध प्रदर्शन हुए, खासकर कि पीजी एंट्रेंस में ऑनलाइन सिस्टम का विरोध हुआ। एक दिन ऐसा भी आया इस हफ्ते में कि एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ने साथ में प्रदर्शन किया, यूनिवर्सिटी गेट को जाम कर दिया, लाठियां तक उठानी पड़ी पुलिस को। सुदर्शन की रिपोर्ट देखेंगे। ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के दौरान स्टूडेंट्स को एडमिशन में आ रही दिक्कतों को लेकर सोमवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। दोपहर 12 बजे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट बंद कर दिए, जो करीब 2 घंटे बंद रहे। इस दौरान स्टूडेंट सड़क पर लेट गए और जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया। गेट बंद हो जाने से स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अंदर ही कैद हो गए। वहीं गेट के बाहर भी एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स घंटों कड़ी धूप में तपते रहे। एनएसयूआई ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन पर जानबूझकर साइट हैंग करने का आरोप लगाया। और अब आपको लिए चलते हैं एक तीर्थस्थली, जी हां, जयपुर की एक तीर्थस्थली गलता तीर्थ में, जहां कुंड की सफाई इन दिनों काफी चर्चा में है। दुनिया भर के श्रद्धालुओं की नजर उस कुंड पर है कि वहां से क्या क्या निकल रहा है और कुंड वापस कब भरेगा। देखते हैं अभिषेक चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आसमान को छूती पहाड़ियों के बीच बने 53 फीट से भी अधिक गहराई वाले सूरज कुंड की सफाई 7 जून को शुरू हुई। कुंड दुर्गम पहाड़ियों में होने से मशीनों को कुंड तक पहुंचाने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मानव, पशु और मशीन सभी का ऐसा मेल बना कि 10 दिन कठोर परिश्रम कर इसके पैंदे तक की सफाई हो गई। करीब 450 मजदूरों और स्वयं सेवकों ने कुंड की गहराइयों से मलबा बाहर निकाला, तो वहीं दर्जनों पशुओं की भी मदद ली गई और मलबे को दुर्गम रास्तों से होते हुए बाहर तक पहुंचाया गया। पोर्टेबल क्रेन, समरसेबल पंप, मड पंप और ओपन बेल समरसेबल जैसी और भी कई मशीनों ने इस चुनौती भरे काम को आसान किया। सदियां बीत गई पर कुंड की सफाई पहली बार हुई है। आधी अधूरी सफाई 1981 और 1994 में भी की गई थी। इस हफ्ते के लिए खबरें बस इतनी ही थी। अब चलते चलते आपको फेसबुक पर ले चलते हैं। सोशल मीडिया में छाया हुआ है राहुल गांधी का 42वां जन्मदिन। ये फोटो देखिए, इस तस्वीर में जगदीप सिंह, जो कि पीआर से जुड़े हुए हैं, इस फोटो में बता रहे हैं राहुल बाबा कितने छोटे से हैं। राहुल गांधी का पूरा परिवार आप इसमें देख सकते हैं। जयपुर के वीरेन सिंह फेसबुक पर डाले जाने वाले पोस्ट के ऊपर जेंडर समस्या को शेयर कर रहे हैं आपसे।
वो बताते हैं कि यदि एक फीमेल लिखे अपने वॉल पर कि आई एम सो सैड, तो 35 से कम लाइक नहीं आएंगे और 198-200 तक कमेंट पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि एक मेल पोस्ट डाले कि आई एम गोइंग टू डू कमिट सुसाइड, तब भी उसके बावजूद भी गिनती के 1-2 कमेंट आएंगे और उसमें भी लिखा होगा देख ले यार, हो सके तो मत कर। आगे बढ़ेंगे, राजीव तनेजा की वॉल पर चलते हैं। वो एक विज्ञापन, जो तूफानी कुछ करने का विज्ञापन आता है, उसकी मजे ले रहे हैं, उस पर लतीफा कस रहे हैं, लिखते हैं आज फिर कुछ तूफानी करते हैं, रोज बर्तन मांजते हैं आज पानी भरते हैं। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी से बचकर रहिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार, अलविदा। आप हमें देख सकते हैं दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी, लॉग इन कीजिए www.bhaskar.com। नमस्कार।